अरे खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं, और अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं, और मेरे भाई किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। अर्ज किया है, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी धान काटने के बाद होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग आए हैं खेत और धान काटने के लिए। अभी धान काटने का टाइम आ चुका है। तो क्या बोला तूने? तो देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गांव के हिसाब से हसुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो धान इसी से काटते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, तब समझ में आएगा कि वीडियो में क्या दिखाना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा धान है जो अभी कट चुका है, और वो देख रहे हैं वहाँ पे भी, और ये सब अभी काटना बाकी है। ये सब हमारा खेत है, अभी जो भी काटना बाकी है, अभी मैं जाऊंगा काट के आप लोगों को दिखाऊंगा, और देखिए कैसा लगता है धान। गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने खेत में, और देख सकते हैं अभी धान काटेंगे और आपको दिखाएंगे धान कैसा काटा जाता है। तो देख सकते हैं ये खेत का फर्स्ट स्टेप है, और ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके काटते हैं। अरे कट ही नहीं रहा है, मेरा लगता है हसुआ। देख सकते हैं इतना काट चुके हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा सही काटा या नहीं। चलते अभी खेत में, कुछ व्यक्ति लोग मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ का खेती बहुत पुराने से करते हुए आ रहे, तो इनसे पूछते हैं यहाँ का खेती कैसा लगता है करने में। कोई धान और का काम, धान काटने कैसा काटा जाता है धान, हमको आज सिखाएंगे। चलिए कुछ कुछ काट के बताइए हमको। आज देख ही सकते हैं हम लोग बहुत सारे धान काट चुके हैं, एक खेत कट चुका है, और देख सकते हैं भाई काट रहा है, आधा काट लिया है, और फिलहाल अभी हम बीच बीच में ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से धान काटते हुए बहुत कम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं हमारा खेत कितना लंबा चौड़ा है, तो खेत हमारा देख ही सकते खूब लंबा चौड़ा। अभी पूरा खेती बाड़ी भी कंप्लीट नहीं हो चुका है, अभी कोई काटा नहीं है, अभी सबके देख सकते हैं खेत में धान अभी तक लगा हुआ ही है। देख सकते हैं अभी हम लोग काट ही रहे हैं, हल्का हल्का खेत में पानी भी है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है खेत को काटने में। टाइम से काट रहे, और देखिए वो खेत नजर आ रहा कटा हुआ। जी हाँ, हम लोग पूरा मिलके पूरा एक खेत को काट लिए हैं अभी तक फिलहाल, और अभी ये बड़ा वाला खेत को अभी काटने जा रहे हैं, तो ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये बहुत लंबा खेत है, जिसकी वजह से हमको लग रहा 2 दिन लग जाएगा काटने में, और ज्यादा आदमी नहीं है, 2 ही लोग हैं जो खेत को काटने में टाइम लगा रहे हैं। गाइस देख सकते हैं काटते काटते गुफा जैसा बन गया इधर,
गाइस देख सकते हैं काटते करते धान है जैसे गुफा के जैसा बन गया है और पूरा पसीना निकल रहा है गर्म से। ठंडा का मौसम में गर्मी आ गया ऐसा लग रहा है, इतना मेहनत धान खेती करने में। तो गाइस देख सकते हैं मेरा हाथ में कट चुका पूरा दाग हो गया है पूरा, देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरा कट चुका हूँ, बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा है खून वगैरह। धान काटने में जो ये बैल होता है ना, ये धान का बीज वाला, ये बीज इसी से पड़ता है ना हाथ में, तो कट गया। बहुत लोग बोलते हैं कि धान काटना आसान है, आसान नहीं है। जिसको आसान लगता है मेरे खेत में आके काट सकते हैं। मैं बता दूंगा एड्रेस, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, विलेज पहुँचता है, आके काट सकते हैं मेरे खेत। आप देख लीजिए काटने में कितना तकलीफ होता है, समझे ना। इसलिए खेती बाड़ी बहुत आसान बोलते हैं, आसान नहीं है, हार्ड है। जो करता ना उसी को पता चलता है कितना हार्ड है। इसलिए आदमी मजाक नहीं बनाना चाहिए जो किसान है उसके लिए। ऐसे देख सकते हैं अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अभी सब अपने अपने खेत में काट रहे हैं। ज़्यादा आदमी लोग नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग जगह पर खेत है, देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं खेत की और धान काटने की और खेत में। इधर देख सकते हैं खेत में पानी भी है, पूरे पानी जमे हुए खेत में। देख सकते हो उधर भाई काट रहा है, उधर वो सब आदमी लगे हुए दूसरे दूसरे खेत में। चलिए अब हम लोग खेत की ओर जाते हैं और दिखाते हैं काटते हुए आप लोगों को भी। इसी तरह न्यू ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो नया है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, उससे पहले जस्ट वॉचिंग, बाय।